ओके, अगर आपको क्लास स्क्वाड का हर मैच बुइया चाहिए तो आपको क्लास स्क्वाड का बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगाकर खेलनी चाहिए। एंड आज मैं आपको ऐसे तीन तगड़ा कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो कि आपका हार को जीत में बदल देगा। एंड वो तीन कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है ग्रेनेड डिफेंसिंग कॉम्बिनेशन, सरप्राइज रश कॉम्बिनेशन, हेडशॉट एंड स्नाइपर कॉम्बिनेशन। अगर आपको एनिमी के ग्रेनेड से बचकर मेरे तरह वन टैप हेडशॉट लगाना है देन आपके लिए तो वीडियो है भाई। हमारा नंबर वन कॉम्बिनेशन है ग्रेनेड डिफेंसिंग कॉम्बिनेशन, कि आपको ज्यादातर एनिमी ग्रेनेड फेंक कर मार देता है। आप गुस्सा होकर ये सोचते हो अरे यार फिर से नहीं, एक ग्रेनेड से बचने का कोई तरीका नहीं है क्या, तो आपके लिए पेश है ग्रेनेड डिफेंसिंग कॉम्बिनेशन, जिसको यूज करने से एनिमी का ग्रेनेड आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। एंड आप अगर इस कॉम्बिनेशन को यूज करके एनिमी पर ग्रेनेड करते हो तो वो मरने के साथ साथ उसका खानदान भी समाप्त हो जाएगा। तो पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो होगा इस कॉम्बिनेशन का वो है स्टेफी कैरेक्टर। अरे शक्ति भाई ये लड़की क्या करेगा, चलो दिखाता हूँ। अगर आप स्टेफी को यूज करते हो तो आपके ऊपर एनिमी गलती भी ग्रेनेड नहीं करेगा, क्योंकि स्टेफी के इस गोले के अंदर चाहे आप हो या फिर आपके टीममेट आपके ऊपर ग्रेनेड का डैमेज पड़ेगा ही नहीं, एनिमी चाहे जितना भी ग्रेनेड क्यों ना करे। एंड इस गोले के अंदर एनिमी का गोली का असर आप और आपके टीममेट को कम से कम पड़ेगा। ओके, ग्रेनेड से तो बच गए, बट अभी पाली आता है एक ऐसा कैरेक्टर की जो कि आपका ग्रेनेड का पावर को 30 गुना ज्यादा बढ़ा देगा, जिसको यूज करके आप एक ही ग्रेनेड से एनिमी के स्क्वाड का 4 बंदों को उड़ा पाओगे। ओके, हमारा ग्रेनेड कॉम्बिनेशन का सेकेंड कैरेक्टर का नाम है अल्वारो कैरेक्टर, जिसका काम है आप जब भी ग्रेनेड करोगे वो ग्रेनेड फूटने का एरिया को बढ़ा देगा एंड ग्रेनेड का डैमेज को भी 20% बढ़ा देगा, जिसके वजह से एनिमी बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड तीन नंबर कैरेक्टर जिसको आपको यूज करना है इस कॉम्बिनेशन में वो है एंड्रयू कैरेक्टर, जो कि अगेन आपके बचाव के लिए है। एंड्रयू आपका वेस्ट को लोहा बना देगा, जिससे एनिमी का ग्रेनेड का डैमेज हो या फिर गोली का डैमेज आपके ऊपर कम से कम पड़ेगा। एंड लास्ट में नंबर 4 कैरेक्टर जो इस कॉम्बिनेशन में रहेगा वो है मोको कैरेक्टर, एंड इसको यूज करके आप छुपे हुए एनिमी का पता लगा पाओगे एंड ग्रेनेड करके उसका पुंगी बजा पाओगे। अगर आप मोको को यूज करके किसी एनिमी को एक गोली लगा लेते हो तो वो कहां जा रहा है, कहां पर छुपा हुआ है, आपको सारा कुछ लग जाएगा। ओके, बहुत हो गया ग्रेनेड का खेल, अभी टाइम आ चुका है एनिमी को सरप्राइज करके मारने का, तो उसके लिए हम लोग एक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे जिसका नाम है सरप्राइज रश कॉम्बिनेशन। इसमें हम लोग इतनी स्पीड से रश करेंगे एनिमी सोच ही नहीं पाएगा, उसके पीछे जाकर हम लोग उसको आसानी से मार देंगे। इस कॉम्बिनेशन का हमारा पहला एंड प्राइमरी कैरेक्टर जो रहेगा वो है तत्सुया कैरेक्टर, जिसका तगड़ा पावर है। इसका स्किल को यूज करके आप 1 सेकंड में स्पीड से रश कर पाओगे एंड इतना स्पीड है कि एनिमी आपके ऊपर एम लेकर मार ही नहीं पाएगा। एंड अगर बाय चांस कोई चुलबुला एनिमी आपको गोली मार देता है, नहीं मार ही देता है, देन वो गोली को आप 20% स्पीड में बदल सकते हो हमारा सेकेंड कैरेक्टर को यूज करके, जिसका नाम है जोसेफ कैरेक्टर। जोसेफ का एबिलिटी है जब भी उसके ऊपर गोली पड़ेगा उसका स्पीड 20% बढ़ जाएगा। और हम लोग इतने में भी नहीं रुकने वाले, हमें और भी ज्यादा स्पीड चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे हमारा 3 नंबर कैरेक्टर जिसका नाम है केली कैरेक्टर, जो कि हमको और भी 6% एक्स्ट्रा स्पीड देगी एंड इतने में ही आपका स्पीड ऐसा हो जाएगा। एंड इस कॉम्बिनेशन का लास्ट कैरेक्टर जो रहेगा जो कि रस करने के बाद एनिमी को जल्दी मारने में मदद करेगा, जिसका नाम है हयातो कैरेक्टर। हयातो को यूज करने से आप जब भी एनिमी को गोली मारोगे एनिमी को ज्यादा डैमेज पड़ेगा एंड वो जल्दी मर जाएगा। एंड एनिमी अगर आपको फ्रंट टू फ्रंट गोली मारता है देन आपको हयातो की वजह से कम डैमेज पड़ेगा। ओके, अभी टाइम आ चुका है हमारा लास्ट एंड मेरा पर्सनल कॉम्बिनेशन की, जो कि हेडशॉट के साथ साथ स्नाइपिंग के लिए भी बेस्ट है, जिसका नाम है हेडशॉट एंड स्नाइपर कॉम्बिनेशन। अगर आपको मेरे जैसा हेडशॉट से प्यार है एंड आपको मेरे जैसा अपना हेडशॉट रेट को 90 से ऊपर रखना है तो आपको ऐसे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज करनी चाहिए जो कि आपको हेडशॉट लगाने के लिए मदद करे एंड साथ साथ और भी कुछ मदद करे, लाइक ज्यादा मूवमेंट भी दे। तो पैसे आपके सामने हेडशॉट एंड स्नाइपर कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का जो पहला एंड प्राइमरी कैरेक्टर रहेगा वो है उकोंग कैरेक्टर, जिसको यूज करके आप इजीली बिना डरे एनिमी पर एम लेकर उसको वन टैप लगा पाओगे। एंड इसका खासियत है जितनी बार आप एनिमी को नॉक डाउन करोगे फिर से आप उकोंग का स्किल को यूज कर पाओगे एंड ऐसे करके आप ओपोनेंट स्क्वाड का 4 बंदों के ऊपर भारी पड़ सकते हो। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया है ये कॉम्बिनेशन हेडशॉट के साथ स्नाइपिंग के लिए भी बेस्ट है, आप उकोंग को यूज करके छुपकर स्नाइपिंग भी कर सकते हो। ओके, हमारा इस कॉम्बिनेशन का जो सेकंड कैरेक्टर है वो अभी के टाइम पर मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, जिसका नाम है रफायल कैरेक्टर।
कैरेक्टर। अगर आप मेरे जैसा वन टैप प्लेयर हो या फिर बनना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली रफाइल को यूज करनी चाहिए। अगर आप रफाइल को यूज करके मार्क्समैन राइफल चलाते हो, जैसे कि उड़पीकर, SC-80 या फिर स्नाइपर चलाते हो, रफाइल उसमें खुद से साइलेंस लगा देगा एंड रफाइल का पहला एबिलिटी है। एंड रफाइल को यूज करने का दूसरा फायदा है कि अगर आप इसको यूज करके बंदे को मारते हो तो बंदा नॉक डाउन होने के बाद स्पीड से मरेगा एंड उसका रिवाइव होके बचने का चांस बहुत कम है। ओके, हमारा तीन नंबर कैरेक्टर जो कि इस कॉम्बिनेशन में रहेगा वो और कोई नहीं, केली कैरेक्टर है, जो कि आपको 6% ज्यादा स्पीड तो देगी ही। उसके साथ साथ केली का और भी एक एबिलिटी है, केली एनिमी को हर 4 सेकंड में 106% एक्स्ट्रा डैमेज दे सकता है। अगर आप 4 सेकंड भागने के बाद रुककर एनिमी को मारोगे तो केली के वजह से आपका गन से निकला हुआ फर्स्ट गोली एनिमी को ज्यादा डैमेज देगा एंड जो वन टैप प्लेयर है उनके लिए एक गोली काफी है एंड स्नाइपर्स के लिए भी केली का इस वाली एबिलिटी बेस्ट है। ओके, इस कॉम्बिनेशन का हमारा लास्ट कैरेक्टर जो रहेगा वो है मोको कैरेक्टर, जिसका काम के बारे में मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। इसके मदद से आप ग्लू वॉल के आर पार MA2V या फिर SBDY से एनिमी को मार पाओगे, ये आपको एनिमी का लोकेशन बताता रहेगा। तो ये थे वो तीन कॉम्बिनेशन जो कि आपको क्लास स्क्वाड का हर एक मैच जिताने में मदद करेंगे। और हाँ, स्किल क्लास के बारे में बोला था ना, अभी मैंने अपने दोस्त के साथ रमी खेला और देखो उसके पैसे भी आ गए। आप भी कैश डिपॉजिट करके लाखों जीत सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ साइन अप करो एंड नोटिफिकेशन को याद से ऑन रखना।